हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल करियर्स एंड कोर्सेज पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। अनएकेडमी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, जो अपने कोर्सेज वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी होती हैं कंपनी की, उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर अपने अपना एक अलग से ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं आप, और प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लैंग्वेज का भी कोई ऐसा वहाँ रोल नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं या हिंदी में पढ़ाते हैं, किसी भी माध्यम में आप पढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये जरिया बन के उभरा है, जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ने ज्वाइन भी किया है टाइम टू टाइम, और अच्छी अर्निंग भी वहाँ से वो करते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप घर पे बैठकर ये काम कर सकते हैं, आपको फिजिकली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आपने पढ़ाना है और आप घर घर से बैठ के आपकी जो स्किल्स हैं उनके हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने ये बताने की कोशिश करी है, जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, कि आप अनअकैडमी पर एजुकेटर कैसे बन सकते हैं या टीचर कैसे बन सकते हैं और कैसे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में है, आप इसको एंड तक देखें और लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने नेटवर्क में, जिससे और भी लोगों तक ये पहुंच सके। और ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारा, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत सारी जो और चीजें हैं, एजुकेशनल वीडियोज हैं, इंटरव्यू से संबंधित चीजें हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आइए, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो प्रेजेंटेशन हमने इस वीडियो में यूज करी है, ये बेसिकली अन अकेडमी की ही जो उनके ट्यूटोरियल्स हैं वहां से ये लिया गया है। तो एकदम ऑथेंटिक और ओरिजिनल सोर्स है ये इंफॉर्मेशन की, जो आप यूज कर सकते हैं खुद से भी अगर अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। हालांकि हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप अन अकेडमी ज्वाइन करें या ना करें, वो आपकी चॉइस हो सकती है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने में। तो ये इसका सबसे पहला स्टेप बेसिकली रहता है, अनअकैडमी एजुकेटर एक ऐप है जो आपने डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले इनकी वेबसाइट आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आपने प्ले स्टोर यूज करना है, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपने ऐप स्टोर यूज करना है। पहले आपने ये एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड करना होगा, वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसमें है, वो डाउनलोड करने के बाद आपने आपका जो प्रोफाइल है वो वहां पे कंप्लीट करना होगा। तो आपने पहले फोन ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर वो आपसे कुछ बेसिक आपकी जो जानकारी है वो आपने कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पे भी आपने स्टेप नंबर टू में आपका जो नाम है, आपका जो प्रोफाइल है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका बायोडाटा है, वो आपने कंप्लीट करना है, जो पहले स्टेप के बाद उसमें होगा। तीसरा स्टेप जो ज्वाइनिंग में होता है, वो आपने एक डेमो वीडियो बनाना होता है। इसके आगे की स्लाइड में जानकारी है कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप वो डेमो वीडियो बनाएं, क्योंकि उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। तो डेमो वीडियो जरूरी है ये समझने के लिए कि आप कैमरे के ऊपर कितना अच्छा बोल पाते हैं, और अगर आप लाइव वीडियो क्लासेस लेंगे तो आप कितने अच्छे से उस चीज को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो वो बेसिकली चेक करने के लिए है, और फिर उसके बाद आपका जो वीडियो है वो इवेल्युएट करा जाएगा, और फिर उसके बाद सिलेक्शन या रिजेक्शन उसके आधार पर हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें, बाकी सब तो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है, जो कि आप किसी भी ऐप या किसी भी एप्लीकेशन के केस में करते हैं। अब जब आप वो वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपने बहुत सारी चीजों का कुछ का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो इसमें यह है कि आपने जो एकेडमिक या एजुकेशनल टॉपिक ही आपने चूज करना है। ये ऐसा नहीं कि आप कोई घरेलू किसी टॉपिक पे बना दे, या मान लीजिए आपने खाना कैसे बनाना है आपने उसके ऊपर बनाया, क्योंकि अनअकैडमी एजुकेशन से संबंधित है, इसलिए आपका जो टॉपिक है वो भी एजुकेशन से ही संबंधित होना चाहिए। दूसरा है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपने ध्यान में रखना है। तो आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो वो आपको अच्छे से समझ में रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज होगी, आप जिस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे,
वो उसी पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप एक टॉपिक के डिटेल में जा सकते हैं, आप मुश्किल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। पर अगर आप मान लीजिए 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज उसी हिसाब से जो सिंपल होनी चाहिए, आसानी से समझ में आए, और टॉपिक की भी जो डेप्थ है उसका भी आपने ध्यान उसी हिसाब से रखना होगा। लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप हिंदी में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं, उससे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हिंदी में वीडियोस देखना पसंद करता है। तीसरा स्टेप ये है कि कोई बैकग्राउंड नॉइज ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, जो जहाँ पे आप बैठे हैं वो जगह शांत होनी चाहिए, कोई क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई भी उस वीडियो को सुनेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई पर्सनल डिटेल्स आपकी प्रोवाइड ना करें, आप प्रोफेशनली अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो आप सिर्फ प्रोफेशनल जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करा है उसी के ऊपर आप बात करें। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि आपको जो 3 मिनट का टाइम इसमें दिया गया है, आप उसको पूरा यूटिलाइज करें। आप पूरे 3 मिनट का ही वीडियो बनाने की कोशिश करें, जिससे आप अच्छे से आपका जो टॉपिक है उसको कवर कर पाए। तो ये 5 चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है जब आप वीडियो बनाना शुरू करने का सोच रहे हैं, अनअकैडमी का जो आपने अपलोड करना है आपके ऐप के ऊपर। नेक्स्ट इसमें है जो सबसे पहले आपने स्टेप 1 डिसाइड कर लिया कि आपने किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। मान लीजिए इंडिया का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था उसके ऊपर आपने बनाना है, तो वो आपने डिसाइड कर लिया। फोन का उसके बाद, क्योंकि फोन पे आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, जो ओरिएंटेशन है मतलब उसको खड़ी पोजीशन में नहीं रखना है, आपने उसको पड़ी हुई पोजीशन में रखना है, हॉरिजेंटल आपने उसको करना है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो आपने लैंडस्केप में चेंज कर देना है, तो पड़ी हुई पोजीशन में आपने उसको करना होगा। क्षितिज जो अवस्था रहती है, क्षैतिज अवस्था, उसमें आपने उसको करना होगा। नेक्स्ट जो स्टेप 3 इसमें है, जब आप एक्चुअल वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जहां पे आपने डेमो बनाना है, तो आपने अगर मान लीजिए कुछ और फाइल्स आपने अपलोड करनी है, प्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हैं, तो आपने प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, और उसके ऊपर आप एनोटेशन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर निशान लगा सकते हैं, आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं जब वो बन जाता है उसके बाद। और जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपने फिनिश जो रिकॉर्डिंग है, फिनिश रिकॉर्डिंग का बटन आपको दिख जाएगा ऐप के ऊपर, वो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप ऐप के अंदर गए, रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन है वहां पे, वो आपने ओपन कर लिया। वहां पे आपने अगर प्रेजेंटेशन है कोई, प्रेजेंटेशन शेयर कर ली, कोई पीडीएफ यूज कर रहे हैं पीडीएफ शेयर कर लिया आपने, अपना 3 मिनट आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर दिया, तो आपका वीडियो वहां पे रिकॉर्ड हो गया। अब कुछ बेसिक गाइडलाइन इसमें है कि जो कंटेंट आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन उस वीडियो में यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंटेंट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट उस चीज का नहीं पड़ता है। ये आप उसी नहीं, किसी भी प्रेजेंटेशन की आप बात करें, अगर आप स्लाइड्स यूज करते हैं और अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट उसके ऊपर रख देंगे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। दूसरा है, आपने कॉपीराइटेड जो इमेजेस हैं वो यूज नहीं करनी है। तीसरा इसमें है, 2 से 3 स्लाइड कम से कम होनी चाहिए, और आपकी जो इमेजेस हैं वो लैंडस्केप मोड में होनी चाहिए, और आपने कन्वर्जेशनल मैनर में बात करनी है। आप अज्यूम करें कि आप क्लास में बेसिकली बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो टॉपिक्स, तो आप एक कन्वर्जेशनल टोन में आपने बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक कोई डिस्कोर्स कर रहे हैं, आप कोई स्पीच दे रहे हैं, वो आपने नहीं रखना है, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज के ऊपर डाल सकता है। अब इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है, जो कई बार जब आप वीडियो रिकॉर्ड करके उसको सबमिट कर देते हैं, तो रिजेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट कारण इन्होंने अपनी जो ये स्लाइड है इसके ऊपर दिए हुए हैं। एक सबसे पहला कारण है कि जो आपकी स्लाइड है, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो भी संभावनाएं हैं कि आपका वीडियो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 2 पर आता है कि आपका जो टोन है वो अनएंगेजिंग है, मतलब आप जनरली जैसे आप कोई
कोई स्पीच की तरह आप बात कर रहे हैं, आप बच्चों से एंगेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उसमें। तीसरा है जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो गाइडलाइंस को वायलेट करती है। फोर्थ है कि आपकी आवाज जो है वो या तो बहुत तेज है या बहुत धीरे है, दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। पांचवा है कि जो बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी उसमें ना हो, कॉपीराइटेड इमेजेस आपने यूज नहीं करनी है और आपने आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें प्रोवाइड नहीं करनी है। तो उसमें ये शेयर ना करें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या किया हुआ है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कहाँ आप पढ़ाते हैं, कुछ भी उस पर ना बताएं। सिर्फ कंटेंट पे ही ध्यान दें जो आपने वीडियो में पढ़ाना है। तो ये जो गाइडलाइंस है वो आपको हेल्प करेंगी वीडियो बनाने में। और इसमें लास्ट होता है कि उसके बाद आपने वो सबमिट कर दिया, फिर आपने वेट करना होगा उसी ऐप के ऊपर। आपको मालूम पड़ जाएगा कुछ दिन बाद कि आपका जो डेमो वीडियो है अब वो सेलेक्ट हुआ है, और आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं देन ऑब्वियसली डोंट गेट डिसहर्टन, और फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, आप फिर से उसको बेहतर प्रैक्टिस के साथ ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट पहली बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो आप समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद उन गलतियों को आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, वो आपने वहां से हटाना होगा, और फिर से आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है और ये कुछ उसका प्रोसेस है जो अनअकैडमी एजुकेटर बनने के लिए, ये वहीं से लिया गया है, उन्हीं की वेबसाइट से ये पीडीएफ जो हमने एक्सप्लेन किया आपको। और इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको ये प्रेरित करना कि आप अनअकैडमी ज्वाइन करें या ना करें, बट डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये है, और बहुत सारे एजुकेटर्स, कई लाख एजुकेटर्स उनके थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है तो आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने नेटवर्क में, अगर कोई किसी और को ये समझने की आवश्यकता हो कि वो कैसे ज्वाइन कर सकता है अनअकैडमी को। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारे, क्योंकि वैकेंसीज के साथ साथ इंटरव्यूज और बाकी जो संबंधित चीज़ें हैं वो भी हम इसके थ्रू शेयर कर रहे हैं, तो वो सब आपके पास तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए हमारे साथ। विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज।